भागलपुर के विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत पर्वती मोहल्ले में उपद्रवियों के कुछ उत्पात से देखते ही देखते माहौल बिगड़ने लगा और पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। गौरतलब है कि भागलपुर पर्वती बुढ़िया काली मंदिर में कुछ असामाजिक तत्वों ने पत्थर फेंके थे, जिससे मंदिर के कुछ अंश क्षतिग्रस्त हो गए थे। यह देख उस क्षेत्र के लोग धीरे धीरे जुटने लगे और काफी आक्रोशित होने लगे। देखते ही देखते माहौल बिगड़ने लगा। घटनास्थल पर भारी मात्रा में लोग जुट गए और जो उपद्रवी इस मंदिर में ईंट पत्थर चलाने का काम किए हैं, उसे जल्द से जल्द सजा देने की बात लोगों ने कही। ये मंदिर में आज ऐसा किया, पर आरू अगला साल भी ऐसे किया था। आगे बाद तेकरा बाद में प्रशासन को भी चोट लगा, तो प्रशासन काहे छोड़ दिया उसको? गिरफ्तारी नहीं कर सकता था? एक ही प्रशासन था क्या? प्रशासन था घर थाने में डिप्टी में। यही कहना की इसका डीएम इसका एक्शन ले, आईएसपी डीएम कमिश्नर आईजी नहीं ले तो हम लोग वही सोचे हैं। रात में क्या कीजिएगा आप लोग? तो बार बार क्या करेंगे? तो बार बार हम लोग को घर घुसते जा रहा है, बढ़िया होगा? देखो हमारे समाज में नहीं, पूरे समाज को घर घुस रहा है, पूरे समाज को घर घुस रहा था। रात में प्रशासन नहीं था एक काली माँ का घर नहीं घुसा, पूरे समाज को घर घुसा है। चार निशान इस होकर के अखाड़ा जाता है तो सबसे पीछे मुर्गिया चकता दो ढाई के बीच में, उन्होंने ही जो है करते धरते निकल गया है। मीटिंग जो हुई क्या मीटिंग में क्या नहीं हुआ? मीटिंग में समाज के सब लोग बैठे हुए थे, कोई रोड जाम, कोई कुछ बोल रहे थे। एसडीओ साहब अभी तक नहीं आए हैं। कहीं ना कहीं एसडीओ साहब की लापरवाही तो आनी चाहिए। हाँ आने चाहिए, लेकिन नहीं आया है अभी तक। देखिए लेट टूट आएगा। अभी फिलहाल किस तरह का माहौल है और क्या कुछ माहौल? माहौल तो समाज में देखिए रहे हैं, गर्म है। आम लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से क्या अपील करेंगे आप? यही कह रहे हैं कि शांति बनाए रखें, प्रशासन को अपना काम करने दें। वो गुंडा पकड़ा ही जाएगा, मुर्गिया चक्का है। का कारण सर मैडम? देखिए सबसे पहले यहाँ है क्या, एक बजे तक कोई घटना नहीं घटी। मुर्गिया चक्के जो प्रोग्राम गई है कुछ नहीं, हम दे देते हैं सबका नंबर। अभिनव जी का नंबर है ना आपके पास? माँ को नहीं, उनके हमारे समाज को नहीं बल्कि पूरे विश्व को उन्होंने छोड़ पहुँचा। क्या मांग है आपसे प्रशासन के द्वारा? प्रशासन से ही हम लोग ये मांग है, जिसने भी ये कार्य किया है उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उसे चिन्हित करके प्रशासन जरूरी से उन्हें गिरफ्तार करे। भीड़ को देखते हुए पुलिस बल भी घटनास्थल पर पहुंच गई और स्थानीय लोगों के साथ पुलिस ने बैठक कर मामला को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक जिलाधिकारी हम लोगों के पास नहीं आएंगे और जो उपद्रवी इस तरह हिंदू धर्म के आस्था के साथ खिलवाड़ किए हैं उन्हें जब तक सजा नहीं मिलेगी तब तक हम लोग मंदिर परिसर से नहीं हटेंगे। वहीं पुलिस ने विभागीय पत्र जारी कर भागलपुर वासियों से अपील किया और कहा कि उपद्रवियों को चिन्हित कर जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पुलिस ने आम लोगों से कहा कि सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट करने से बचने और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने में प्रशासन की मदद करें। पर्वती काली मंदिर में सैकड़ों लोगों का जमावड़ा लगा हुआ रहा और प्रशासन भी मुस्तैद दिखी। भागलपुर शांति समिति की महिला सदस्य ने कहा कि जिसने भी ये कार्य किया है उसे गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, वरना आंदोलन जारी रहेगा। अभी तक प्रशासन इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही, यह गलत है। भाजपा की रोहित पांडे ने कहा कि तजिया जुलूस में कल अल्पसंख्यक समाज के द्वारा काली मंदिर में पथराव किया गया है। उस मंदिर के गेट को तोड़ा गया जो काफी निंदनीय है। इसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन और तजिया जुलूस कमेटी की है। तजिया जुलूस में एक भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं थे। क्या उनको नीतीश कुमार का कोई फरमान जारी हुआ है कि इस तरह की घटना घटने देनी चाहिए? इस कांड में संलिप्त जो भी लोग हैं उन्हें कठोर से कठोर सजा दी जाए, तभी यह अनशन हटेगा। काली महारानी पूजा समिति के कामेश्वर यादव ने बताया कि रात में कुछ मुसलमानों ने काली मंदिर में तोड़फोड़ किया है। उन्होंने मुर्गिया चक्की तजिया की के लोगों पर आशंका जताई है, कहा कि यह कहीं से सही नहीं है, उन लोगों को गिरफ्तार कर सजा दी जाए। मंदिर प्रांगण के पास रहने वाले ग्रामीण सुरेश सहानी ने कहा कि जिलाधिकारी एसएसपी कमिश्नर इस पर जल्द संज्ञान ले, वरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। इस प्रकार की घटना तजिया जुलूस में शामिल उपद्रवी तत्वों के द्वारा
जो पर्वती में बुढ़िया काली स्थान में घटित की गई है वह पूरी तरह से निंदनीय और अक्षम्य है। यह एक तो प्रशासन की भी लापरवाही का यह एक परिणाम है, क्योंकि कल के पूरे जुलूस में, मैं शहर में अन्य कई जगहों पर कल जो मैंने जुलूस देखा है, उन जुलूसों में कहीं भी एक भी प्रशासन के लोग सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कहीं भी प्रशासनिक अधिकारी जुलूस के साथ नहीं थे। और कल जिस प्रकार से पर्वती में जो है बुढ़िया काली स्थान में गेट को तोड़ने का काम किया गया, भगवती के पिंडी पर पत्थरबाजी करने का काम किया गया है, तो प्रशासन इसको चिन्हित करके इसमें जो भी उपद्रवी तत्व शामिल हैं उसको अविलंब प्रशासन गिरफ्तार करे, नहीं तो लोकतांत्रिक तरीके से इस तरह की बड़ी आंदोलन खड़ी की जाएगी। अब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है पूरे बिहार का सबसे बड़ा और प्रीमियम सैलून लुक्स सैलून। लुक्स सैलून में आपको लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए सर्विसेज उपलब्ध है। लेडीज के लिए हेयर स्टाइलिंग, पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, हेयर टेक्सचर, हेयर ट्रीटमेंट, फेशियल एंड रिचुअल्स, हैंड्स एंड फीट, नेल केयर जैसी सुविधाएं, तो जेंट्स के लिए हेयर कट एंड फिनिश, हेयर कलर, हेयर टेक्सचर, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन केयर, बियर्ड ग्रूमिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। लुक सैलून अपनी सभी प्रकार की सर्विसेज पर 20% की भारी छूट दे रही है। तो अगर आप भी लुक सैलून के बेहतरीन प्रीमियम सर्विसेज की चाहत रखते हैं तो अभी बुकिंग कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए आप मोबाइल नंबर 9199062666 पर संपर्क कर सकते हैं या फिर www.looksalon.in पर जाकर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। भागलपुर के विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत पर्वती काली मंदिर में कुछ उपद्रवियों द्वारा पथराव करने की घटना सामने आई है, जिसको लेकर जहां एक तरफ ग्रामीण काफी आक्रोशित दिख रहे हैं वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन माहौल को शांत कराने में लगी हुई है। साथ ही जिला प्रशासन एक पत्र जारी करते हुए लिखा है कि सोशल मीडिया पर धर्म से जुड़े किसी भी तरह की आपत्तिजनक बातें पोस्ट करने वालों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। वहीं भाजपा भागलपुर इकाई इस बात को लेकर काफी तेवर में दिखी। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रोहित पांडे ने प्रेस वार्ता आयोजित कर साफ तौर कहा कि अगर प्रशासन मुस्तैद रहती तो शायद यह अप्रिय घटना नहीं होती। किसी मंदिर में असामाजिक तत्व के द्वारा पथराव या कहीं से सही नहीं है। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि जल्द ऐसे उपद्रवियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया जाए, वरना प्रशासन के खिलाफ भाजपा जमकर विरोध प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार मुहर्रम त्योहार को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के दावे कर रही थी, वहीं मुहर्रम के तजिया झांकी में प्रशासन दूर दूर तक नदारद थी। साथ उन्होंने पुलिसिया महकमे पर उठाया कि जब इस क्षेत्र से तजिया जुलूस निकाली गई तो फिर प्रशासन मौजूद क्यों नहीं थी, ना ही सीसीटीवी कैमरे थे ना ही ड्रोन की व्यवस्था थी। वहीं उन्होंने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश सरकार की इशारे पर तो प्रशासन सोई नहीं रह गई। बिहार हो या इस देश के अंदर कहीं भी भाजपा शासित राज्य जहाँ जहाँ रही है वहाँ वहाँ इस प्रकार की घटना नगण्य या नहीं के बराबर देखने को मिलती है, लेकिन जब जब ऐसे लोगों के हाथ में सरकार जाती है, भाजपा को लोग सांप्रदायिक कहते हैं, लेकिन भाजपा के शासनकाल में सबसे कम सांप्रदायिक दंगे हुए हैं या कोई इस प्रकार के समाज में तनावपूर्ण वातावरण उत्पन्न हो या सबसे कम घटनाएं घटित हुई हैं। अगर खुदा न खास्ते कभी घटित कहीं हुई भी हैं तो सरकार ने तत्परता से उस पर कार्रवाई करके उसको गिरफ्तार करने का या फिर उसको चिन्हित करने का काम किया है। लेकिन आज क्या कारण है कि जब जब राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाली सरकार होती है या जदयू जब जब भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कहीं अन्य जाती है तो इस प्रकार की घटनाएं बढ़ती हैं। क्या सरकार सोची समझी साजिश के तहत यह जो एक तुष्टीकरण की राजनीति करने का जो काम करती है, कहीं यह इसी ओर एक कदम तो नहीं है? और यह हम सभी लोगों को इसको जानना होगा और चिन्हित करना होगा। और हम सभी लोग भागलपुर के लोग शांति और अमन पसंद लोग हैं। यहाँ इस प्रकार के घटनाओं को कई कभी लोगों ने प्रश्रय देने का काम नहीं किया है। एक दुर्भाग्य है कि वह जो दंगा है वह एक कलंक भी है और दुर्भाग्य भी है, लेकिन अगर उसको छोड़ दें तो छोटी मोटी घटनाएं अगर छोड़ दें तो कोई भी इस प्रकार की घटनाएं न भागलपुर के किसी भी धार्मिक लोगों ने इसको प्रश्रय देने का काम नहीं किया है। तो हम सभी लोग एक तो यह
जो धार्मिक जितने भी धार्मिक जुलूस निकलते हैं उन त्योहारों पर प्रशासन सही तरीके से पुलिसिंग की व्यवस्था करे, उसकी जितने भी सेंसेटिव क्षेत्र हैं वहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो। और जो इस बार लापरवाही देखने को मिली है कि पूरे शहर में उस जुलूस के दौरान एक भी पुलिस के पदाधिकारी नहीं थे, आगे इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो और 24 घंटे के अंदर जो दोषी हैं उनको चिन्हित कर उनकी गिरफ्तारी भागलपुर प्रशासन करे, यह डिमांड है। और अगर यह नहीं होता है, 24 घंटे के अंदर ये गिरफ्तारी नहीं होती है, तो जो भी लोकतांत्रिक तरीके से जो भी विरोध में प्रशासन के विरोध में या उनकी गिरफ्तारी को लेकर लोकतंत्र के दायरे में जो भी आंदोलन चलाना होगा वह हम लोग चलाएंगे। भागलपुर जिला अंतर्गत लोदीपुर थाना क्षेत्र के कोहड़ा गांव में एक साथ तीन चोरों को ग्रामीणों ने जंगली महादेव स्थान से घंटा चोरी करते हुए धर दबोचा। बताते चले कि बायपास स्थित यह जंगली महादेव स्थान बहुत ही देविक है, जहां स्वतः वृक्ष के कोटर में महादेव की उत्पत्ति हुई है। जिन श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है वो महादेव पोखर स्थित इस वृक्ष में घंटा बांधते हैं। इस घंटे की चोरी करते मानिकपुर निवासी मनीष कुमार, चौधरी डी निवासी अभिषेक कुमार और रामजीत को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। वहीं मनीष कुमार का आपराधिक इतिहास भी रहा है, फिलहाल हाल में वो जेल से बाहर आया है। वो हथियार के साथ रील बनाने का भी शौकीन है। बहरहाल मौके पर लोदीपुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर चोर को गिरफ्तार कर ली है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। क्या मामला है? हाँ, इनको जो है 12 बजे रात को ही चोरी को पकड़ा है, 12:30 बजे रात को। और इसको जो है पकड़ के लाया गांव का 10 आदमी लाया इसको यहाँ। हम यहाँ पर जो इसको 12 बजे रात से ही चोर रहे हैं। 12 बजे रात से? हाँ, 12 बजे रात से ही पकड़ के इसको लाया। रात में तो नहीं बोला। कहाँ पकड़ाया था ये? तो वही भोला बाबा मंदिर के पास। कहाँ पर है वो स्थान? बाईपास के बगल में। तो वो बहुत पुराना है? बहुत पुराना है, हम लोग का जंगली महादेव है। जंगली महादेव है। हाँ। वो हम लोग का हौस नया है, हमारा बाप दादे को भी हौस नया है जब से वो महादेव। तो वहाँ से क्या? भागलपुर के कहलगांव थाना क्षेत्र के गांधीनगर की रहने वाले अजय शाह की पत्नी रीना देवी का शव कमरे में संदिग्ध अवस्था में पाया गया। सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की मां का कहना है कि 4 साल पहले उसकी बेटी की शादी कहलगांव के रहने वाले अजय शाह के साथ हुई थी। वहीं शादी के बाद से ही पति के द्वारा अपाचे मोटरसाइकिल की मांग की जा रही थी और बेटी को प्रताड़ित भी किया जाता था और उसके साथ लगातार मारपीट की जाती थी। वहीं कल रात भी पति के द्वारा पहले उसकी पिटाई की गई और उसके बाद फिर उसकी हत्या कर सब को फंदे से लटका कर सुसाइड का रूप देने का प्रयास किया गया। 5 लाख तिलक दिए। हाँ। और अपाची मांग रहा है। कौन? अपाची लड़का मांग रहा है। हाँ। अपाची दीजिए ना तो बेटी को मार देंगे। हाँ। बेटी को मारेंगे, अपाची दीजिए। जा बार बेटी हमरा आबे ले मत, जा बार पोंटी बेटी 10,000, 5,000, 6,000 दे चलिए बार बार। और अपाची मांग, अपाची नहीं देंगे बेटी को मार देंगे। हम आपासी कहाँ दे दिए हमारा रिहाई चाहिए यार, कुछ नहीं चाहिए। हमारी मार दिया बेटी को? हम बेटी को मार दिया। कौन? दमाद मार दिया। कैसे मारा? बेटी खून पहले तरपा तरपा के मारा रूम में। हाँ। तरपा तरपा के रूम में मारा, बेटी गल्लो काट दिया, दाग 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 ही दिया धीपा धीपा को। थाना गए तो क्या हुआ? थाना दिया तो हम कुछ नहीं बोला, थाना सब पुलिस हंसते कुछ नहीं बोले कोई कुछ पैसा। वहीं दूसरी ओर पति का कहना है कि उसने पत्नी को नहीं मारा है, जबकि मृतका की मां का सीधा आरोप है कि उसके दामाद ने उसकी बेटी की हत्या की है। वहीं पुलिस सुसाइड और हत्या दोनों मामलों को लेकर जांच कर रही है। भागलपुर में मुहर्रम त्योहार को लेकर सिया समुदाय की ओर से मातमी जुलूस निकाली गई, जिसको लेकर मुस्लिम सिया समुदाय के हजारों लोगों ने मातम मनाया। यह मातमी जुलूस असानंदपुर से साजंगी मेला मैदान की ओर गई। लोगों ने अल्लाह को याद करते हुए इबादत की। ऐसी मान्यता है कि अपने शरीर को कष्ट देकर अल्लाह की इबादत करने से नेमत में बरकत होती है। वहीं सचिव जिया हुसैन ने बताया कि सिया समुदाय की ओर से निकाली गई मातमी जुलूस में असानंदपुर के सैकड़ों सिया समुदाय के लोग मौजूद थे। ये इमाम हुसैन जो करबला में शहीद हुए थे उनकी याद में हम लोग मजलिसों मातम और नौहा पढ़ते हुए जा रहे हैं और शाहजंगी स्थित करबला में हम लोग का पैलाम कर दिया जाएगा। ये इमाम हुसैन ने जो शहादत दी थी वो इंसानियत को बचाने के लिए दी थी और इस्लाम को उन्होंने बचाया अपने और अपने 72 रिश्तेदारों की शहादत देकर इस्लाम धर्म को ता कयामत तक बचाया।
बाईपास थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक स्कूटी सवार की मौत हो गई। घटना देर रात 10:15 बजे की है। मृतक मोहम्मद आजम जगदीशपुर के पुरैनी गांव का रहने वाला है। मोहम्मद आजम पुरैनी वार्ड 8 के पूर्व पार्षद थे। वो पूर्णिया स्थित अपने ससुराल धमधा से वापस अपने घर पुरैनी जा रहे थे, तभी बाईपास स्थित एक होटल के पास अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में घायल को मायागंज अस्पताल पहुंचाया, मगर अस्पताल पहुंचते पहुंचते उसने दम तोड़ दिया। पुलिस के द्वारा जानकारी मृतक के परिजनों को दी गई। परिजन मायागंज अस्पताल पहुंचे। मोहम्मद आजम के बेटे तनवीर ने बताया कि मेरे पिताजी ननिहाल से वापस लौट रहे थे। हम लोग मुहर्रम के जुलूस में शामिल होने के लिए शाहजंगी में थे, तभी बाईपास पुलिस के द्वारा सूचना मिली कि पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है। पिताजी करीब 1 माह से ननिहाल में ही रह रहे थे। वो मुहर्रम में शामिल होने के लिए घर लौट रहे थे। घटना के बाद से परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। भागलपुर के एक स्थानीय होटल में सावन के अवसर पर थिरकन डांस एकेडमी की ओर से सावन महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं के द्वारा गीत संगीत के साथ साथ डांस का कार्यक्रम रखा गया। इसमें शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों की महिलाएं कार्यक्रम के दौरान खूब मस्ती करती नजर आई। वहीं स्टेज पर सावन के गीतों पर थिरकती नजर आई। इस अवसर पर महिलाओं के लिए कई प्रकार के व्यंजनों का भी प्रबंध किया गया था। कार्यक्रम के दौरान हर एक तबके की महिलाओं ने इसमें हिस्सा लिया। थिरकन डांस एंड फिटनेस स्टूडियो की तरफ से सावन का सेलिब्रेशन किया जा रहा है। हमारे डांस स्टूडियो में बहुत सारी महिलाएं जो डांस करती हैं, सीखती हैं, उनको मैंने एक मंच दिया है कि एक औरतों के बीच ही अपना एक जो सीख रही हैं वो प्रस्तुत करे और अपने अंदर जो हेजिटेशन है वो दूर करे, और इस सावन में एक दूसरे को बधाई। और भगवान शिव का महीना है, इसी बहाने थोड़ा आराधना भी हो जाए और हम लोग थोड़ा मस्ती भी कर लें और बस। भागलपुर के तिलकामांझी स्थित एक होटल में राष्ट्रीय डाक कार्यकारिणी एसोसिएशन ग्रुप सी डाक प्रमंडल का राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ डाकिया एमटीएस राष्ट्रीय ग्रामीण डाक सेवक भागलपुर और बांका का वार्षिक संयुक्त अधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार प्रमंडल पटना के प्रमंडल सचिव बी के मिश्रा और पोस्टमास्टर जनरल पूर्वी क्षेत्र मनोज कुमार ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान डाक विभाग में होने वाली परेशानियों को रखा गया। वहीं डाकघरों में लगातार नेट की दिक्कत के कारण लगातार काम करने में लोगों को हो रही परेशानियों के साथ साथ भागलपुर के मुख्य डाकघर में बिजली बंद होने के बाद सारे उपकरण बंद हो जाते हैं और यहां जनरेटर लंबे समय से खराब है, इसको लेकर भी चर्चा की गई। वहीं कर्मचारियों को लगातार होने वाली समस्याओं को भी इस सम्मेलन में रखा गया। वहीं इन लोगों की मांग है कि जल्द ही इन लोगों की समस्या को दूर किया जाए। अभी बहुत सारे पोस्टल डिपार्टमेंट में आप लोग हैं, मीडिया के बहुत सारे नए स्कीम इंट्रोड्यूस हो रहे हैं और उस ख्याल से बहुत सारे काम भी पर लादा जा रहा है, लेकिन सुख सुविधा के नाम पर अभी समझिए कि से बहुत अभाव है, घोर अभाव है पोस्टल डिपार्टमेंट। और सबसे बड़ी समस्या तो देहात में हमारे जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक बंधु हैं, उन पर टारगेट दिया जाता है और जो उनका डिवाइस है डिलीवरी नॉर्म्स है कि 3+0, जिस दिन आया उसी दिन आपको डिलीवरी दे देना है, तो उनको डिवाइस दिया गया, वो डिवाइस काम नहीं करता। पोस्ट ऑफिस में लिंक फेल रहता है, कभी भी 7 दिन भी समझिए कि 6 दिन चाहे सैप हो पॉस है या फिनेकल है, कभी काम नहीं करता है और उसका देखने वाला कोई नहीं है। होता है विभाग के लोग कहते हैं कि भाई अब टिकट अरेंज कीजिए, टिकट अरेंज करने के बावजूद भी किसी समस्या का समाधान एक दिन में हल नहीं हो पाता है। यदि हल भी होता है तो 1-2 दिनों के बाद होता है या बिना हल हुए हुई, क्योंकि वहाँ TCS और इंफोसिस के लोग बैठे हुए हैं, उसको क्लोज कर देते हैं।